हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमओएस क्लासेस आज हम एट्थ क्लास मैथ एनसीआर के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है स्टूडेंट्स इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड यानी के अगर एक क्यूब दिया गया है और उसके हर एज को एज मतलब साइड अगर उसकी सभी साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके बाद दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे हाउ मेनी टाइम्स वेर इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज तो जो नया क्यूब आएगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना टाइम बढ़ जाएगा कितना टाइम ज्यादा होगा किसके मुकाबले जो ओरिजिनल क्यूब था उसके मुकाबले उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स वे वॉल्यूम इंक्रीज के जो नया क्यूब आएगा उसकी एज यानी साइड को डबल करने से उसकी वॉल्यूम कितना टाइम कितना गुना ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में उस पुराने क्यूब के कंपैरिजन में तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सबसे पहले हम जो ओरिजिनल क्यूब था उसकी एक साइड ले लेते हैं एक्स देखिए लेट एज एज यानी के साइड लेट एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब जो ओरिजिनल क्यूब था उसकी साइड हमने मान ली X. अब देखिए पर हमें कंपैरिजन करना है पुराने क्यूब और नए क्यूब के सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी तो सबसे पहले हम पुराने क्यूब का सरफेस एरिया और पुराने क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर जो नया क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर उनको कंपेयर कर लेंगे ध्यान से देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब निकालते हैं जिसकी साइड कितनी थी सभी x, यहाँ पर एच दिया गया एज यानी साइड होता है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी कि टोटल सरफेस एरिया देखिए सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो बात एक ही होती है तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब सिक्स इंटू साइड स्क्वायर होता है तो सिक्स इंटू साइड क्या थी x तो x का स्क्वायर आ गया अब देखिए यहां पर सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम क्योंकि हमें वॉल्यूम का भी कंपैरिजन करना है कि जो नया क्यूब आएगा उसमें कितनी वॉल्यूम बढ़ी है तो पहले पुराने वाले यानी जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब तो साइड क्या है यहां पर एक्स तो x का क्यूब आ जाएगा देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आ गया एक्स क्यूब ओरिजिनल क्यूब का एरिया और वॉल्यूम दोनों हम निकाल चुके हैं अब उन्होंने कहा था कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, यानी कि अगर हम इस क्यूब की सभी साइड्स को डबल कर दें तो अगर एच डबल हो जाएगी यानी साइड डबल हो जाएगी तो पहले साइड थी एक्स तो एक्स का डबल यानी के टू एक्स उसका डबल हो गया एक्स का तो जो नया क्यूब है स्टूडेंट्स, उसकी सभी साइड्स टू एक्स है अब हम इसका सरफेस एरिया यानी के टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे नए क्यूब का और नए क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और उसे पुराने जो हमारा क्यूब था उसके एरिया और वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे देखिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब नए क्यूब का ये हमें सरफेस एरिया निकालना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया तो इक्वल क्या होगा फॉर्मूला तो सेम ही है टू एक्स तो टू एक्स तो का होल स्क्वायर आ जाएगा सिक्स एज इट इज टू का स्क्वायर यानी कि टू इंटू टू फोर एक्स का स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क् कैसे आता है अगर आप एक्स इंटू एक्स करते हैं अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो स्टूडेंट्स तो पावर्स प्लस हो जाती है ऐड हो जाती है दोनों के ऊपर कितनी पावर थी वन वन इसकी पावर भी वन थी इसकी पावर भी वन तो इन दोनों की पावर वन प्लस कर देंगे तो पावर आ जाएगी टू यानी कि जब टू का स्क्वायर आया तो टू इंटू टू फोर और एक्स का स्क्वायर आया तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अब सिक्स इंटू फोर एक्स स्क्वायर करेंगे तो सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर सात में एक्स ये जो नया क्यूब है जिसकी एज पिछले के मुकाबले डबल थी उसका आपके पास क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया है ट्वेंटी फोर एक्स कंपेयर करते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है पुराने सरफेस एरिया से कितना ज्यादा है ये कैसे कंपेयर करेंगे नया सरफेस एरिया लिखिए देखिए यहाँ पर नया सरफेस एरिया लिखा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्र उसको पुराने सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए इसको अगर आप सिक्स एक्स स्क् डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो से कट ट्वेंटी फोर को सिक्स से डिवाइड कीजिए सिक्स फोर द्वेंटी फोर फोर टाइम्स यानी कि जो नया क्यूब आया नया जो सरफेस एरिया आया नए क्यूब का वो पुराने क्यूब के मुकाबले फोर टाइम्स ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सर्फेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब विल बी फोर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब नए सरफेस नया जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया पुराने सर्फ, जो क्यूब था उसके सरफेस एरिया से फोर टाइम्स ज्यादा है अब हम नए क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड का क्यूब इसकी साइड कितनी थी इसकी साइड थी टू एक्स तो टू एक्स का होल क्यूब टू का क्यूब यानी कि टू इंटू टू इंटू टू टू क्यूब को स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू ये हो जाएगा एट एक्स क्यूब एक्स क्यूब को आप ऐसे लिखिए एक्स एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स तीन बार मल्टीप्लाई होगा सबकी पावर क्या है वन तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाय हो रहे हो तो बेस एज इट इज आ जाता है पावर प्लस हो जाती है वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स का जो आंसर आएगा वो एक्स क्यूब होगा तो जो नया वॉल्यूम आया नए क्यूब का वो आया ए टूब अब देखिए जो पुराने क्यूब का वॉल्यूम था वो था एक्स क्यूब नए का क्या आया ए टक्स क्यूब अब हमें चेक करने कितना टाइम्स बढ़ा तो आप नया वॉल्यूम यहां रखिए एट एक्स क्यूब उसको डिवाइड कर दीजिए पुराने वॉल्यूम यानी के एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल आउट हो गया क्या बचा एट यानी के जो नया वॉल्यूम आया नए क्यूब का वो पुराने क्यूब के वॉल्यूम के मुकाबले एट टाइम्स ज्यादा है तो यहाँ हमने लिखा द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी एट टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब नए क्यूब का वॉल्यूम पुराने क्यूब के यानी ओरिजिनल क्यूब के मुकाबले एट टाइम्स ज्यादा है आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू